हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है हेनरी मर्रे, व्यक्तित्व का आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, तो आगे का उसी के विषय में हम देखेंगे। तो यहाँ थर्ड पॉइंट चल रहा है, पॉइंट नंबर सी यहाँ पर, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मर्रे ने व्यक्तित्व के विकास की यानी कि डेवलपमेंट की व्याख्या करने के लिए एक अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण में व्यक्तित्व को ठीक ढंग से समझने के लिए उसके विकासात्मक इतिहास यानी कि डेवलपमेंट हिस्ट्री पर न केवल उसके वर्तमान आवश्यकताओं यानी कि नीड दबावों, प्रेस तथा आवश्यकता दबाव अंतःक्रिया, नीड प्रेस इंटरेक्शंस पर बल डालना आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है, व्यक्तित्व का निर्माण ही स्वयं व्यक्तित्व का इतिहास है। फ्रायड के समान ही उन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड की घटनाओं एवं अनुभूतियों यानी कि एक्सपीरियंसेस जो है महत्वपूर्ण बतलाए हैं। मर्रे ने बाल्यावस्था को 5 अवस्थाओं में बांटा है और प्रत्येक अवस्था में कुछ सुखदायक अनुभूतियाँ होती हैं यानी कि जो सुख देने वाली कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। मर्रे ने बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड में जो होने वाली अनुभूतियाँ हैं उन्हें को सुखदायक अनुभूतियाँ कहा है, जो समाज की वास्तविकता के अनुरूप फिर से परिवर्तित हो जाती हैं। इन 5 अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था व्यक्तित्व पर अपना एक विशेष छाप या कहें मार्ग मनोग्रंथी कॉम्प्लेक्स के रूप में छोड़ती है। मनोग्रंथी से तात्पर्य व्यवहारों के वैसे पैटर्न से होता है जो विभिन्न अवस्थाओं द्वारा छोड़े गए छापों या छाप चिन्हों इम्प्रिंट्स के मिलने से बनता है तथा जो अचेतन रूप से व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करता है। मर्रे का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में इन पांच अवस्थाओं से संबंधित 5 मनोग्रंथी होती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की इन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरना है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है इन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए इन मनोग्रंथियों का होना कोई असामान्यता नहीं है, यानी कि सामान्य सी बात है। हाँ, जब उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत अधिक मात्रा में होने लगती है तो व्यक्तित्व का विकास किसी एक अवस्था पर स्थित हो जाता है और उनमें लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है और तब वह असामान्यता का रूप ले लेता है। मर्रे द्वारा प्रतिपादित बाल्यावस्था की 5 अवस्थाएं और संबंधित मनोग्रंथियों का वर्णन यहाँ पर हम दे रहे हैं। देखिए, ये देख रहे हैं प्रथम अवस्था यानी कि निर्जन मनोग्रंथि इसको कहते हैं। बाल्यावस्था की पहली अवस्था में निर्जन मनोग्रंथि होती है जो व्यक्ति के जन्म पूर्व अनुभूतियों से बना होता है। निर्जन मनोग्रंथि के 3 प्रकार बतलाए गए हैं, साधारण निर्जन मनोग्रंथि, असहज निर्जन मनोग्रंथि तथा निर्गति निर्जन मनोग्रंथि। साधारण निर्जन मनोग्रंथि वाले व्यक्ति जो है निष्क्रिय होते हैं तथा दूसरों पर आश्रित रहना इन्हें अच्छा लगता है, यानी कि अपना काम स्वयं नहीं करना चाहते, दूसरों से करवाना चाहते हैं और दूसरों पर ही डिपेंड रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये भूत यानी पास्ट के पुजारी होते हैं तथा नवीनता नोवल्टी के विरोधी होते हैं। असह निर्जन मनोग्रंथि में व्यक्ति में असुरक्षा की भावना तीव्र होती है तथा उसे अपने लाचारीता पर अधिक चिंता रहती है, यानी कि जो जैसा भी लाचार व्यक्ति बना हुआ है उस पर उससे चिंता रहती है, उसके बारे में सोचता रहता है। और निर्जन मनोग्रंथि में प्रभावित व्यक्ति, इससे जो प्रभावित व्यक्ति होता है घूमने फिरने तथा किसी तरह की नवीनता से खुश होने का गुण अधिक होता है। ऐसे लोगों में स्वतंत्रता के सील गुण की प्रधानता होती है। और द्वितीय अवस्था यानी कि मुखा मनोग्रंथि इसमें आ जाएंगे हम देखेंगे। पहली थी निर्जन मनोग्रंथि, उसके 3 प्रकार बतलाए गए थे। अब दूसरा है, इसे कहेंगे मुद्रा मनोग्रंथि देंगे, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ होगा मुद्रा मनोग्रंथि। सेकंड स्टेज उदल कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे। तो इसके विषय में कहा जा सकता है, बाल्यावस्था, लेकिन हम
सबसे पहले पढ़ेंगे मुखा मनोग्रंथि। मुद्रा मनोग्रंथि जो है वो थर्ड नंबर पर है, तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं मुखा मनोग्रंथि। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये मुखा मनोग्रंथि सेकंड स्टेज ओरल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे, वो थर्ड नंबर पर है जिसके बारे में अभी बता देते हैं हम। तो बाल्यावस्था की दूसरी अवस्था में मुखा मनोग्रंथि उत्पन्न होती है, जिसका निर्माण प्रारंभिक पालन पोषण से संबंधित अनुभूतियों अर्ली फीडिंग एक्सपीरियंसेस से होता है। मुखा मनोग्रंथि तीन प्रकार के होते हैं, मुखा राहत मनोग्रंथि, तथा मुखा आक्रामकता मनोग्रंथि, तथा मुखा तिरस्कृत मनोग्रंथि। मुखा राहत मनोग्रंथि का निर्माण बच्चों के सुख से संबंधित क्रियाएं, निष्क्रिय प्रवृत्तियां तथा संरक्षण में रहने की प्रवृत्तियों से रहता है, यानी कि किसी न किसी का संरक्षण चाहते हैं। इस मनोग्रंथि से व्यक्ति चूसने, खाने पीने आदि से, यानी कि माता आदि से स्नेह करने, दूसरों से स्नेह पाने आदि जैसे व्यवहारों के रूप में होता है। मुखा आक्रामकता मनोग्रंथि का निर्माण मुख दसन यानी कि ओरल वेटिंग की क्रिया का आक्रामक प्रवृत्तियों के मिलने से होता है। देखते हैं हम छोटे बच्चे दूसरों के हाथ में काट लेते हैं आदि, इस प्रकार की क्रिया करने लगते हैं, तथा इसकी अभिव्यक्ति दांत काटना, चिल्लाना तथा प्राधिकारों के प्रति सामान्य अभयभाविता की प्रवृत्तियों के रूप में होता है। मुखा तिरस्कृत मनोग्रंथि की अभिव्यक्ति कुछ खास खास व्यवहारों जैसे कि थूकना, उल्टी आदि करना, ओठ को कसकर दबाए रखना, हकलाना, भूख की कमी आदि के रूप में होता है। तीसरी अवस्था जो है मुद्रा मनोग्रंथि, अब हम उसके बारे में देखेंगे, थर्ड स्टेज एनल कॉम्प्लेक्स के बारे में। बाल्यावस्था की ये तीसरी अवस्था होती है जिसमें जो है मुद्रा मनोग्रंथि का पाया जाना होता है। इस मनोग्रंथि के निर्माण में मदे का मत है कि सोच प्रशिक्षण मल त्याग की अनुभूतियों की भूमिका प्रधान होती है, और यह दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार इसके बताए गए हैं, मनोग्रंथि तथा गुदा प्रतिधारण मनोग्रंथि, यानी कि जो पहला बताया गुदा बहिष्करण मनोग्रंथि और गुदा धारण मनोग्रंथि। इस अवस्था में बालक मिट्टी आदि के प्रति, जो मिट्टी आदि पड़ी रहती है उनके प्रति अधिक अभिरुचि दिखलाने लगते हैं। आपने देखा होगा स्वतः ही बच्चे मिट्टी की तरफ भागते हैं, उसे उठाते हैं, उसे छूने का प्रयास करते हैं। इस तरह के लोग प्रायः गंदे एवं व्यक्ति प्रकृति के होते हैं, और जो बच्चे इनसे दूर रहना चाहते हैं वो स्वच्छता ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा माना है इन्होंने। गुदा प्रतिधारण मनोग्रंथि की अभिव्यक्ति वस्तुओं को संचय कर रखने, जिद्दी व्यवहार तथा निषेधात्मक व्यवहार दिखलाकर, तथा अत्यंत सफाई एवं क्रम पर यानी कि ऑर्डर क्रमशः कोई भी काम करने पर ध्यान देने के रूप में होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूरीथल मनोग्रंथि। यह है यूरीथल मनोग्रंथि। तो इसके बारे में कहा जा सकता है मदे के सिद्धांत में ये एक अजूबा मनोग्रंथि है, जिसे इन्होंने पहले इतना महत्व नहीं दिया था, परंतु बाद में इसे एक महत्वपूर्ण मनोग्रंथि बतलाया। इस मनोग्रंथि की अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा ऊंची ऊंची आकांक्षाओं के निर्माण, आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम का विकृत ज्ञान, आत्मस्नेह की तीव्र भावना तथा प्रदर्शन प्रवृत्तियों के रूप में होती है। पांचवी अवस्था है जननेन्द्रिय या वध्याकरण मनोग्रंथि। तो इस बारे में मदे का विचार है कि इस मनोग्रंथि की उत्पत्ति बाल्यावस्था में हो जाती है और माता पिता से मिलने वाले दंड के भय से होती है। मदे महोदय ने व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की व्याख्या करने में कुछ महत्वपूर्ण निर्धारकों की अहमियत काफ़ी अधिक बतलाई है। इन निर्धारकों में जो चार निर्धारक हैं वे इस प्रकार से हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला है शरीर गठनात्मक निर्धारक, कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स। शरीर गठनात्मक निर्धारक से तात्पर्य व्यक्ति के कुल शारीरिक बनावट से होता है। इस श्रेणी में व्यक्ति की आयु, शारीरिक प्रकार, त्वचा का गठन, रंग, शारीरिक शक्ति, शारीरिक अपंगता आदि को रखा जाता है।
ये सभी कारक शून्य में प्रभावकारी नहीं होते, बल्कि ये व्यक्ति के सामाजिक वातावरण के संदर्भ में व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन होती है उसको प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम भूमिका निर्धारक। तो इसके अंतर्गत कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। भूमिका निर्धारक समाज की संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित भूमिका करने का सुझाव देती है। इसके साथ साथ संस्कृति यह भी नियत करती है कि उस भूमिका का निर्वाह व्यक्ति कैसे करेगा। मजे के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण इन भूमिकाओं तथा इनके निर्वाह करने के ढंग या विधि से काफ़ी अधिक प्रभावित होती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे परिस्थिति जन्य निर्धारक। सिचुएशनल डिटर्मिनेट्स व्यक्तित्व निर्धारक के इस श्रेणी में उन कारकों को रखा जाता है जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अनुभूतियों में घटित होती हैं, परंतु इनका स्वरूप कुछ वैसा होता है कि उनके बारे में पहले से अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। इसमें संक्षिप्त अंतर्वैयक्तिक संबंध, किसी खास व्यक्ति के साथ दोस्ती एवं संबंध विच्छेदित माता पिता आदि को रखा जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे समूह सदस्यता निर्धारक, ग्रुप मेंबरशिप डिटर्मिनेट्स। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जिस सामाजिक समूह की सदस्यता व्यक्ति को प्राप्त होती है या व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसका भी प्रभाव व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। इस श्रेणी के कारक में पारिवारिक, प्रजातीय, धार्मिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय एवं सामाजिक आर्थिक कारकों को रखा गया है। किसी एक या एक से अधिक ऐसे समूह के सदस्य होने से व्यक्तित्व काफ़ी अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि इनकी सदस्यता इनकी मेंबरशिप पर उस समूह के सामाजिक वातावरण सोशल एनवायरनमेंट पर मूल्य तंत्र यानी कि वैल्यू सिस्टम का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो शेष है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।